दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं LPU, जिसका फुल फॉर्म है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज इस यूनिवर्सिटी में हम बात करेंगे फार्मेसी के बारे में, कि यहाँ फार्मेसी का कौन कौन सा कोर्स रन होता है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस, प्लेसमेंट्स एट्सेट्रा, हर एक के बारे में वन बाय वन करके हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में स्थित है, उसके मेन वेबसाइट पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसको हम फार्मेसी भी बोलते हैं, ये PCS अप्रूव्ड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। और इसका NIRF रैंकिंग जो है 2022 का, वो आपको 19 है। तो अब हम प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज जो है वो 8 लैक्स पर ईयर है और एवरेज जो है वो 4.8 लैक्स पर ईयर गया है। और इंटर्नशिप जो है 25,000 पर मंथ जाता है यहाँ पे। यहाँ से जो भी स्टूडेंट अपना पढ़ाई किए हैं वो यहाँ शो कर रहा है कि किस किस फील्ड में और कहाँ कहाँ वो अभी कार्यरत है, उनके बारे में बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिस्टर अभी गोयल जो है CEO है लॉगिक इंफॉर्मेटिव प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ पंजाब में स्थित जो है उनका। और यहाँ आप देख सकते हैं रैंकिंग जो भी है वो इंडिया में जो है LPU का जो रैंकिंग है वो 3rd है। यहाँ फिर आप देख सकते हैं फार्मेसी और फार्माकोलॉजी के क्षेत्र में जो है यहाँ रैंकिंग बताया गया है 9th है। और फिर यहाँ देख सकते हैं कि रैंक शो कर रहा है क्लिनिकल एंड हेल्थ सब्जेक्ट में जो है वो 8 रैंक पे है। फार्मेसी का यहाँ देख सकते हैं 19 रैंकिंग है NIRF रैंकिंग। बी फार्मा एंड एम फार्मा प्रोग्राम्स आर अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन पंजाब से है अप्रूव्ड। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ सारा शो कर रहा है। अब हम यहाँ का इंडस्ट्रीज देख सकते हैं कि यहाँ यूनिसेफ आता है, फिर लुपिन आता है, सन फार्मा आता है, सिप्ला आता है, CPL आता है, CBL आता है, ये सब यहाँ पे आती है अपना प्लेसमेंट्स के लिए। यहाँ आप प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे तो यहाँ बी फार्मा आयुर्वेदा यहाँ पे रन करता है, जो कि ये 4 ईयर का कोर्स है और जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप और फीस के बारे में आप देखेंगे, प्लेसमेंट के बारे में आप देख ही लिए हैं। यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे या लाभदायक हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस पर किसी भी तरह का वीडियो फार्मेसी से रिलेटेड डाला जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका ड्यूरेशन जो होता है 4 ईयर होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और यहाँ इसके फीस के बारे में आप यदि जानेंगे तो इसका जो फीस है वो 80,000 पर ईयर है। और आप यहाँ LPU नेस्ट का जो एग्ज़ाम देंगे तो उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप का प्रावधान है। यदि आप 90 से 94% या 95% तक लाते हैं तो आपको 34,400 रुपया छूट होगा और पे करना पड़ेगा 45,600 रुपया पर सेमेस्टर। फिर आप यदि 80 से 89 के बीच में आते हैं तो आपको 30,400 रुपया छूट होगा और यहाँ पे 49,600 रुपया आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं। और डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक व्यू डिटेल पे जाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो चलिए हम देख ही लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो वेट कीजिएगा आप लोग।
वीडियो में बने रहें, नेट प्रॉब्लम्स आ रही है। अब हम इसके एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं, स्कॉलरशिप और फीस के बारे में देख चुके हैं, और यहाँ पे हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए आपको। उसके साथ आपको LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके मेरिट के आधार पे आपका एडमिशन होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ कहाँ से एफिलेटेड है और किस कौन कौन सा रैंक है, वो सारा चीज़ यहाँ शो कर रहा है जो कि आपको हम बता चुके हैं। और LPU नेस्ट का जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके लिए यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होता है, सैम्पल क्वेश्चन कैसा होता है, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज़ यहाँ से आप ले सकते हैं जो कि LPU ये अपना एग्ज़ाम करवाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच के बारे में देखते हैं। अब आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सा ब्रांच है। तो आप देख सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन एम फार्मा में आयुर्वेदा है, फिर फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है और फार्माकोलॉजी है। इन ये सारा ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम पहले देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स के बारे में कि इसका कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो आपको थोड़ा भी लाभदायक हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी त्रुटि हो तो इसके लिए आप लोग की तरफ से क्षमा प्रार्थी हैं। ये देख सकते हैं फार्मास्यूटिक्स जो है 2 ईयर का होता है जिसमें 4 सेमेस्टर शो होते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 60% मार्क्स होना चाहिए बी फार्मेसी में और PCS अप्रूव्ड होना चाहिए, और साथ में आपको या तो आप LPU नेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए या जीपेड के बारे में आपको बता दें कि ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूशनल टेस्ट फार्मेसी एप्टीट्यूशनल टेस्ट होता है, वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके बाद इसके बाद ये आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दिया गया है। अब हम फीस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ जो फीस है वो पर सेमेस्टर जो होता है 1,20,000 रुपया है। LPU नेस्ट का जो यहाँ एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके बेस पे आपको यहाँ स्कॉलरशिप का भी प्रावधान है, और यदि आप जीपेड देते हैं तो स्टेपन मिलता है 12,000 कुछ रुपया। यदि 90 से अबव आप लाते हैं तो 33,600 रुपया आपको छूट मिलेगा। LPU नेस्ट उसके बाद आपको देना पड़ेगा 86,400 रुपया देना पड़ेगा। फिर आपको 80 से 89 के बीच में आते हैं तो 27,600 रुपया छूट मिलेगा, जिसमें आपको पे करना पड़ेगा 93,400 रुपया पे करना पड़ेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फ़ी जो है 4,000 रुपया पर सेमेस्टर से है, और यहाँ से सारा डिटेल देख सकते हैं इंटरनेशनल फी प्रोग्राम्स का देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखते हैं। नेट स्लो चल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये भी 2 ईयर का होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात किया जाए तो 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और LPU नेस्ट या जीपेड क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा।
अब हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कैसे क्या फ़ी है। स्कॉलरशिप जो एलपीयू नेस्ट के बेस पे मिलता है वो सेम ही है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका भी यही है, 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और साथ में बी फार्मा जो आप किए होंगे वो पीसीएस अप्रूव्ड होना चाहिए और एलपी नेस्ट या जीपेट का आप एग्ज़ाम पास होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा यहाँ पे। ये यहाँ इसका सब्जेक्ट डिटेल दिया हुआ है। ये फीस का बात किया जाए तो 1,20,000 रुपया है। एलपी नेस्ट का जो एग्ज़ाम दे रहते हैं उसके बेस पे जो स्कॉलरशिप यहाँ मिलता है 90% से अबव मार्क है, 33,600 रुपये आपका छूट होगा, 86,400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको 80 से 89 के बीच में रहते हैं तो आपको 27,600 रुपये छूट है, 70 से 79 के बीच में रहते हैं तो 21,600 रुपये छूट होगा, और इसका पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 4,000 रुपया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।